गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 184, चैप्टर नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते, किसी भी डिजीज को से कैसे बच सकते, प्रिवेंट कैसे कर सकते, बचाव क्या। ठीक है, कुछ हमारी क्या होती है, कुछ जनरल होती है और प्रिवेंट करने की तरीके कुछ बिल्कुल अलग होती है। जनरल तरीके जैसे होते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ की हो गई, अगर हमको कोई डिजीज़ हो गई है तो हमारी बॉडी को डैमेज करती है, तो इस तरह से कई सारी अप्रोचेज होती हैं डील करने की, हमारी डिजीज़ के साथ डील करने की कई सारी अप्रोचेज हैं। ठीक है, डिजीज़ देयर आर द थ्री लिमिटेशन ऑफ द अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शन। फर्स्ट क्या करें, दैट वंस समवन हैज डिजीज देयर बॉडी फंक्शनिंग आर डैमेज एंड मैनी नेवर रिकवर कम्प्लीटली। तीन तरह से हो सकती, पहला कि उसकी बॉडी ऐसे डैमेज है कि अब रिकवर नहीं हो सकती उस डिजीज से, सेकंड उसका ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है, एंड द थर्ड वन पर्सन एक ऐसा सफरिंग फ्रॉम द वायरस है, द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शियस मे स्प्रेड टू अदर। ऐसे सोर्स से वो उस डिजीज से ऐसे वो है क्या कहते हैं, थर्ड में है, उसको ऐसे डिजीज हुई है कि वो स्प्रेड हो सकती है, एक से दूसरे को हो सकती है और उससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन से डिफिकल्टी हो जाएगी और उसका प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले डिजीज को दो तरह से प्रिवेंट करते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल हुआ जैसे अभी कोरोना है, ठीक है, तो ये हमारा कोरोना के लिए कुछ स्पेसिफिक हमारे प्रिवेंशन की है ना, वैसे ही हर डिजीज के लिए कुछ होता है प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट तो जनरल क्या हो गए, जैसे इफ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम इजी आंसर। फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाई प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। हम क्या करें, अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो हम ओवर क्राउडेड जगह पर ना जाएं और ऐसी जगह में जाएंगे तो अपने आप को प्रिवेंट करके रखें। वाटरबॉर्न डिजीज माइक्रोब्स है तो हम उसके एक्सपोजर को प्रिवेंट कैसे करें, उसके एक्सपोजर को कैसे रोक सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करें, एंड वाटर को में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको किल कर दें या ऐसी कंडीशन कर दें तो वो किल हो जाएं। कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब इंसेक्ट फॉर्म से हो रही हैं तो उनसे हम दूर रहें, जैसे अगर मॉस्किटो से और मलेरिया हो रहा है तो मॉस्किटो रिपल्स यूज़ करें, नेट यूज़ करें, ठीक है, उनकी ब्रीड को ना बढ़ने दें, कहीं भी वाटर को इकट्ठा ना होने दें, उसकी ब्रीडिंग ही नहीं हो पाएगी तो मॉस्किटो हमें, तो हमारी जनरल से क्या हो गई, एयर से क्या हुई, अगर हम लोग ओवर क्राउडेड जगह पे जाएं तो अपने आप को एक्सपोज करके ना रखें, ठीक है, हैंकी यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, सेकेंड एयर बॉर्न सेफ ड्रिंकिंग वाटर लें, वॉर्म वाला जैसे मॉस्किटो के लिए मैंने स्पेसिफिक बताया। इसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट कंडीशन भी होती हैं, जैसे टू अप्रिशिएट दोज कुछ प्रिवेंट इन क्या होती है, इन एडिशन टू दिस इशूज दैट रिलेट टू इन्वायरमेंट देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज टू क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक एट सो फार। नॉर्मली वी आर फेस विद इन्फेक्शन एवरी डे, इज समवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द, देखिए किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, मोस्टली बच्चे स्कूल में आते हैं उनको कॉमन कोल्ड हुआ है, तो बच्चों को कुछ बच्चों को उसके साथ बैठते हैं तो उनमें से कुछ को तो कॉमन कोल्ड हो जाता है, कुछ को नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी करके हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छी करके प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे अच्छी होगी, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, आंवला, नीम, काली मिर्च, गिलोय, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिनल चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे पहले नरिशमेंट लेकर अपनी बॉडी को नरिश करें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और तुलसी, नीम ये अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। पहले देखिए एक समय टाइम था
कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में क्योर ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन आजकल स्मॉल पॉक्स की बहुत कम हो पाता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से क्योर कर लिया गया है, नो स्मॉल पॉक्स एनी वेयर इन द वर्ल्ड, बट 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एक एपिडेमिक था, मतलब अगर एक गांव में हुआ तो पूरे गांव के लोगों को हो जाता था और डेड हो जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स को क्या किया गया, क्योर कर लिया गया। उसके लिए क्या कर लिया गया, उसकी ड्रग्स आ गई है, ठीक है, उसकी ड्रग आ गई है और हम क्या कर लिए गए हैं, उसको क्योर कर लिया। कोई चांस नहीं स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट होने का। तो हमारे इसमें भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हमारा आया ये कैसे प्रिवेंट हो सकता है, दिस हैपन बिकॉज वेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है तो माइक्रोब्स को देखता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही वो रिस्पॉन्स करता है पर्टिकुलर माइक्रोब्स का, तो जो भी हमारे अंदर इंटर किया, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड विथ एवन ग्रेटर वाइगर, बहुत ज़्यादा वाइगरसली रिस्पॉन्ड करता है। दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड। दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो अभी हमारे इम्यूनाइजेशन में हमने क्या किया, जैसे हमको कोई डिजीज होने वाली है, ठीक है, तो हम उसको पहले से कैसे, जैसे हमको पोलियो होने वाला है, मतलब हो सकता है, तो हमने क्या किया, पोलियो का वायरस उसको हीट किल कर दिया, उसको मार दिया और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया। जैसे ही हमारी बॉडी में वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी जाएगा तो हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स करेगी। हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स करके क्या बनाया, उसे फाइट करने के लिए तैयार हो गई। और ये रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे एंटीबॉडी बना ली हमारी बॉडी ने उसके उसको उससे फाइट करने के लिए, हमारी बॉडी ने एक बार एंटीबॉडी बना ली, अभी एंटीबॉडी बनी रहेगी। हमने भेजा क्या था, पोलियो का मरा हुआ वायरस, हीट किल वायरस भेजा था, तो हमारी बॉडी ने तो एंटीबॉडी बना लिया, अभी एंटीबॉडी उसकी मेमोरी में रहा आएगा। जैसे ही पोलियो का वायरस कभी हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी तुरंत जान जाएगी कि ये पोलियो का वायरस है, और वो जो उसने एंटीबॉडी उस समय बनाया था पहले, वो एंटीबॉडी उससे जाके फाइट करने लगेगा। तो इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, मतलब वही वायरस वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजर्ड करा देते थे, पर उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसका जो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी है, वो कम करके या उसको मार के हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है या ओरली दिया जाता है, हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बना लेती है उसे लड़ने के लिए और एंटीबॉडी स्टोर रहता है। इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन सबसे पहले हमारा देखा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने उन्होंने देखा कि उनका जो मिल्कमेड था वो हैड काउ पॉक्स, उसके उसके पास उसको क्या हो गया था, काउ पॉक्स। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया उस समय, स्मॉल पॉक्स को नहीं मारा, तो काउ पॉक्स उस समय एक माइल्ड डिजीज थी, काउ पॉक्स हो गया था मिल्कमेड को तो बहुत माइल्ड डिजीज थी, लेकिन काउ पॉक्स का जो वायरस था वो सेम टू सेम स्मॉल पॉक्स जैसा था। तो उन्होंने क्या किया, जिसको भी जेनर ट्राई डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स टू पीपल एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल। उन्होंने लोगों को क्या किया, काउ पॉक्स का इंजेक्शन दिया, तो उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा जिसको जिसको उन्होंने काउ पॉक्स का इंजेक्शन दिया था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि काउ पॉक्स का जो वायरस था वो कैसा था, बिल्कुल सेम टू सेम स्मॉल पॉक्स जैसा। तो स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडी बन गई, अब जैसे ही उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स का वायरस आया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ था और उसने फाइट कर लिया और उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो एडवर्ड जेनर ने, काउ इज अ